विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माया का भी अंत कर दूंगा। अंततः माँ ने इस दुष्ट का वध कर ही दिया। तुम मेरा वध नहीं कर सकती। यह शुंभ पुनः जीवित क्यों हो रहा है? तुम्हारे दूसरे अवसर की कोई आवश्यकता नहीं मुझे, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारा वध करूंगा। मुझे संदेह था भैया कि शुंभ नहीं सुधरेगा, वो ऐसा ही कुछ करेगा। यदि वो पापमय जीवन का चुनाव करने पर ही तत्पर है तो अब माँ को उसका अंत ही करना चाहिए। सर्वथा उचित कहते हैं आप भैया, किंतु आपको भी तो ज्ञात है कि माँ जो भी करती है उचित समय पर ही करती है। कदाचित अब वो समय आ ही गया है प्रथम पूज्य गणेश। कुछ भी छीन लो मुझसे, कुछ भी, सब मन की शक्ति भी, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने इन हाथों से तुम्हारा वध करने के लिए सक्षम हूँ, और मैं वो अवश्य करूंगा, अवश्य। अब माँ जो इसे दंड देंगी उसकी कल्पना ही अत्यंत भयंकर है भैया। जिसकी उद्दंडता का कोई अंत नहीं उसका भयंकर अंत ही उचित है। अंत हूं मैं तुम्हारा देवी, तुम्हारी इस माया का, तुम्हारी नारी शक्ति के छलावे का। देवी काली, काली देवी चंडमारी। कौन असत्य है और कौन सत्य है? सत्य है। कौन अशक्त है और किस में शक्ति? शक्ति। कौन अनश्वर है और किसका अंत होगा? ये तो अभी ज्ञात हो जाएगा मूर्खादिराज शुंभ। के एक पग का इतना बड़ा प्रभाव? नहीं नहीं, मात्र एक नारी है ये, पुनः माया कर रही है। इसका अंत करना है मुझे, अपने महायोद्धाओं और भ्राता निशुम का प्रतिशोध लेना है मुझे, अपने अपमान का दंड देना है इसे। पुत्र गणेश, अब हम जिसके साक्षी बनने वाले हैं, देवी आदि शक्ति, तुम्हारी माँ की कृपा है हम पर। देवी कौशिकी अब कलारीपट्टू विधि से युद्ध करेंगी। ये तो अत्यंत शक्तिशाली योद्धा की भांति मेरी ओर बढ़ रही है। तैयार हो जाओ शुंभ। अंत अंत तुम्हारा होगा दुष्ट नारी, तुम्हारा। मुझे पीछे धकेल दिया इसने। ये तो बहुत भयंकर वार कर रही है मुझ पर। एक नारी में इतनी शक्ति, विश्वास नहीं होता। माँ की शक्ति का आभास मात्र ही शुंभ को आतंकित कर रहा है भैया। मूर्ख है ये असुर,
क्योंकि वो अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि वो जिससे युद्ध कर रहा है वही उसकी शक्ति का स्रोत भी है। क्योंकि माँ आदि शक्ति तो संसार की समस्त शक्ति का स्रोत है, उसका आधार है। मैं एक नारी से पराजित नहीं हो सकता। दम्भी दुस्साहसी नारी, अब सामना करो मेरे आक्रमण का। आओ शुम, अभी भी तुम में कोई शक्ति शेष है अथवा नारी शक्ति से पराजय स्वीकार करोगे तुम? माँ इस युद्ध में इतना अधिक समय क्यों लगा रही है, जबकि वो चाहे तो क्षण भर में शुंभ का वध कर इस युद्ध को भी समाप्त कर सकती है। चिंता मत करो गणेश, माँ तो शुंभ से मात्र क्रीड़ा कर रही है, उसे उसकी ऊर्जा व्यय करने के लिए विवश कर रही है। किंतु जब माँ अपना प्रहार करेंगी तो वो माँ का प्रहार सहन नहीं कर सकेगी। अधिक समय नहीं है शुंभ के पास। ये क्या हुआ, इस देवी ने अपने प्रहार क्यों रोक दिए? अरे कहां गई ये देवी? अब पर्याप्त हुआ शुभ, अथवा और भी युद्ध करना है तुम्हें? मैंने कहा ना देवी, एक नारी से मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं। लो देवी, अब सहो मेरा प्रहार। मेरे इस प्रहार को भी इसने विफल कर दिया। ये मूर्ख शुंभ कभी नहीं समझेगा माँ की महिमा, अब इसका अंत होना ही चाहिए। मायावनी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माया का भी अंत कर दूंगा। दुष्टकांत कर ही दिया। माता कौशिकी की जय। माता कौशिकी की जय। माता कौशिकी जय।
तुमने क्या सोचा देवी कि तुमने मेरा वध कर दिया? ये तुम्हारी नारी शक्ति मेरे पुरुषार्थ का खंडन नहीं कर सकती। ये क्या? ये तो पुनः जीवित हो उठा। क्या हुआ? मुझे जीवित देखकर चौंक गई ना? परंतु ये तो होना ही था, क्योंकि दम भी नारी तुम मेरा वध नहीं कर सकती। भैया, कदाचित इस बार इसका अंत हो ही गया। मुझे पूर्ण विश्वास है, इस बार ये दुष्ट शुंभ पुनः जीवित नहीं हो पाएगा। ये तो तुम पर प्रहार करने से भी अधिक आनंददायक है। ये तो मैं एक बार नहीं, बार बार कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे मुख पर अचंभे का भाव देखकर अति आनंदित होने का अवसर जो प्राप्त होगा मुझे। ये क्या हो रहा है? ये शुंभ पुनः जीवित क्यों हो रहा है? इसका अंत क्यों नहीं हो रहा? ऐसा इसलिए हो रहा है देवराज, क्योंकि शुंभ को वरदान प्राप्त है। मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरा वध भी नारी शक्ति से ही हो, और वो नारी जो मेरे ही शरीर से उत्पन्न हो, अर्थात पुरुष के शरीर से जिस नारी का आविर्भाव हो वही मेरे अंत का कारण बने। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। पुरुष के भीतर समाहित स्त्री शक्ति, अब उसका प्रकट होना कैसे संभव होगा गणेश जी? ये तो पूर्व में ही संभव हो चुका है सूर्यदेव, कदाचित आप भूल गए। पिताश्री, मामा जी, फूफा जी, भैया और आप सभी अपने भीतर की नारी शक्ति का आवाहन कर चुके हैं। अर्थात ये सब माँ की ही लीला है। माँ को तो पूर्व में ही ज्ञात था कि शुंभ का अंत करने के लिए हम सभी की शक्तियों की आवश्यकता होगी, इसीलिए माँ की लीला के अनुसार उचित समय पर गणेश को युक्ति सूझी और उसने हम सभी को अपनी नारी शक्ति का आवाहन करने का सुझाव दिया। किंतु देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, सभी मातृकाएं तो भिन्न लोकों में वहां के वासियों की रक्षा के लिए स्थित हैं। तो अब हमारे द्वारा पुनः उनका आवाहन कर उन्हें यहां लौटाने का समय आ गया है। तुम्हारे मुख का ये स्तब्ध भाव अमूल्य है कौशिकी देवी, इसके लिए मैं अपने सभी योद्धाओं का और सैनिकों का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। चलो वही क्रीड़ा पुनः आरंभ करते हैं देवी। तो कहो, इस बार कौन से शस्त्र का प्रयोग करोगी? नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृति
प्रत्यय भद्राय नियतः प्रणतः स्मता रौद्राय नमो नित्याय गौर्य धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नाय चिन्दुरूपिण्ये सुखाय सततं नमः कल्याण्ये प्रणतां वृद्ध्ये सिद्ध्ये कुर्मो नमो नमः नेत्रेत्ये भुभृतां लक्ष्म्ये शर्वाण्ये ते नमो नमः तो अच्छा तुम्हारे सभी प्रयत्न विफल हो गए तो तुम प्रार्थना भी करने लगे क्या हुआ प्रथम पूज्य गणेश जी आप भी किसी की पूजा करने में विवश हो गए सुनो मेरा सुझाव मानो किसी की पूजा करना बंद कर दो और सिर्फ मेरी पूजा करो क्योंकि तुम्हारी रक्षा एकमात्र सिर्फ मैं ही कर सकता हूं अब इस मायावनी नारी की अनुचरियाँ मेरे वध में इसकी सहायता करने आई हैं। माता चहु दिशाओं में जिन शक्तियों का विस्तार है वो जब एकत्रित हो जाएंगी और जब इसकी शक्ति भी उसमें समाहित होंगी तब इस दुष्ट का वध संभव हो जाएगा हाँ माता लो शुभ तुम्हारी मृत्यु की व्यवस्था भी हो गई अच्छा तुम्हारा ये विश्वास मेरे मनोरंजन के लिए उचित है परंतु देवी तुम ये स्वीकार क्यों नहीं करती कि तुम्हारे पीछे खड़ी देवियां मेरे असुरों का वध कर सकती हैं किंतु मेरा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि नारी होना तुम जटिलता समझने की क्षमता कहाँ है तुम में प्रातः शुभ यह आपने कैसा विचित्र सा वरदान मांग लिया है ब्रह्मदेव से भला आपके शरीर के भीतर कोई नारी कैसे रह सकती है जब कोई नारी मेरे भीतर रह ही नहीं सकती तो मुझसे बाहर भी नहीं आ सकती और जब कोई नारी ऐसी होगी ही नहीं तो मेरा वध भी असंभव हो जाएगा अर्थात मैं शुंभ अमर हो जाऊंगा शुंभ नारी को पुरुष से निम्न समझते हो ना तुम इसीलिए ये भी नहीं समझ सके कि तुम्हारे भीतर की शक्ति भी नारी रूपिणी ही है उसी के बल पर तुम अभी तक जीवित हो किंतु अब और नहीं जिस नारी शक्ति से तुम्हें इतनी घृणा उत्पन्न होती है अब समय आ गया उसी नारी शक्ति का महत्व तुम्हें समझाने का अपनी दुर्बलता तुमने दिखा ही दी ना थोड़ा और बल का प्रयोग करके देखो यही तुम्हारी इच्छा है तो यही उचित होगा शुभ
पुत्र गणेश, तुम्हारी माँ शुंभ की स्त्री शक्ति को खींचकर उसे बाहर निकाल रही है। मुझे कष्ट अवश्य हो रहा है, किंतु मेरी शक्ति मेरे भीतर सुरक्षित है। तुम सभी देवी एकत्रित होकर भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। सप्त मातृकाओं द्वारा माँ को अपनी शक्ति प्रदान करने पर माँ शुंभ से उसकी स्त्री शक्ति बाहर खींचने में असमर्थ क्यों है? पुत्र, हम सभी ने तो सप्त मातृकाओं के रूप में अपनी शक्तियां तुम्हारी माँ को प्रदान करती हैं, किंतु अष्ट मातृका शेष है और वो मातृका है विनायिकी। विनायिकी, विनायिकी, विनायिकी महादेवी सज चर्म परीक्षदा, विनायिकी महादेवी सज चर्म परीक्षदा, विनायिकी महादेवी सज चर्म परीक्षदा। व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, आंतरिक स्त्री शक्ति के बिना अपूर्ण है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसका भान होना चाहिए।